इब्तदा है उस रब जलील-ओ-क़दर के नाम से जो हर इब्तदा की इब्तदा से है लेकिन जिसकी कोई इब्तदा नहीं, और उस रब के नाम से जो हर इंतहा की इंतहा तक है लेकिन जिसकी कोई इंतहा नहीं। उम्मीद है जनाब आप सब खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि जनाब पेरिस से भी एक व्लॉग होना चाहिए, बिकॉज व्हाट हैपेंड, पापा वो हैं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जनाब पेरिस से भी एक व्लॉग होना चाहिए। एनीवे जनाब, तो मैंने कहा कि पेरिस से भी एक व्लॉग होना चाहिए फॉर श्योर। हम हैं जनाब इन द सिटी ऑफ लव व्हिच इज़ कॉल्ड पेरिस, और आप सबको पता है कि मेरा चाइल्डहुड क्योंकि यहाँ पे गुजरा है तो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है ये सिटी। एंड कोशिश मेरी जनाब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को व्यूज़ और मज़े कराऊँ, पेरिस की शामें दिखाऊँ और ये जनाब आपको बीच में लोगों की टाटा वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। और ऑलराइट जी, ये है सारा सीन, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एवरीथिंग इज अमेजिंग। सॉरी स्टिल नॉट कमिंग इन टू द व्लॉग्स, बिकॉज मेरा मकसद ऑफ कोर्स यही है कि अपनी आवाज़ के ज़रिए जितना आपको पहुँचा सकूँ अपना मैसेज। एनीवे जी जनाब, इस वक्त हम जा रहे हैं एक चैपल में, इट्स ब्यूटिफुल और दिस इज कॉल्ड सोते चैपल, इट्स क्लोज्ड आई थिंक, सो वी कैन नॉट एंटर फ्रॉम हियर, आई गेस दिस इज एग्जिट। ओके अच्छा, पेरिस की सबसे खूबसूरत बात ये है, ये तो मैं साथ में रिकॉर्ड करके आई एम श्योर किसी व्लॉग में डाल ही दूँगी, पूरा इसका व्यू है एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती कि पेरिस की सबसे अमेजिंग बात ही ये है कि आपको बस मतलब कदम कदम पे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग आपको मोन्यूमेंट मिल जाएगा हिस्टोरिकल, या कोई उनका आपको शैपेल मिल जाएगा या कैथीड्रल मिल जाएगा, एवरी वेयर देर इज़ समथिंग, देर इज़ ईफल टावर, देर इज़ आर्क दे ट्रायंफ, देर इज़ म्यूज़े लूव्र, नोट्रेडम, कैफेज देखिए इतने खूबसूरत, और पेरिसियन लाइफस्टाइल को आप इंजॉय कर सकते हैं, इनका कल्चर किस तरह का है, और ये सारी चीज़ें यू कैन इंजॉय व्हाइल यू आर हियर बिकॉज इट्स ऑल सो प्रिटी। अब आप ये देखिए रोड साइड पर एक इंतहाई खूबसूरत कैफ़े, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, लुक एट दैट, आई मीन चलते फिरते जनाब आप बैठें, कॉफ़ी पिएँ, पाँव शोकोला खाएँ, तो ये जो सारी इधर के मज़े हैं ना, आई थिंक दिस इज़ व्हाट मेक्स इट इवन मोर ब्यूटीफुल। इसकी फ़िज़ा में एक रोमांस है, रोमानवियत है। तो खैर ये है हमारा कुछ छोटा सा सफ़र पेरिस का, हम यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ते के लिए हैं, और मैं आपको साथ कुछ दिखाऊंगी, मतलब एवरीवेयर देर आर मोन्यूमेंट्स एंड देर आर हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड देर आर व्यूज़, और ख़ाली इनके कैफेज ही इतने मज़े के हैं, और फ्रेंच लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज़ वर्थ सीइंग। सो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सारे व्लॉग्स जो हैं वो एडिट करके डालना शुरू करूँगी मैं, मतलब मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएँ सारे या फिर मैं जो है पीछे से शुरू करने के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बजाय, या फिर जो फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट जाऊँ, विल सी अबाउट दैट, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कुछ बिकॉज अभी तो मामला शुरू हुए हैं, सो लेट्स सी, इट्स ऑल वेरी हाफ हैज़र्ड। चले जी देखते हैं कि आप कितनी लंबी क्यू है इसकी, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स वर्थ इट, कुछ चीज़ें वर्थ इट हैं, स्पेशली जहाँ पर आपको क्या कहते हैं उसको टिकट लेके नहीं जाना, वो ज़रूर देखें आप, क्योंकि मुफ्त में जितने मज़े आप लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ठीक है जी, चलें जी, साइनिंग आउट, फी अमान अल्लाह, अल्लाह ताला अपने आसानियाँ बांटे और आपको आसानियाँ बांटेगा, शरफ अता करें, दिस इज़ आरजी कोमल साइनिंग आउट, फी अमान अल्लाह।